Assalamu alaikum. Welcome to the Three Man Show. This is me, Wajid Khan. मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी खुशखबरी जिसमें आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको हंसना जरूर पड़ेगा जी। ऐसा शो जो आप टीवी पे, थिएटर पे या यूट्यूब पे हरगिज नहीं देखते, पहली मर्तबा देखेंगे। और शो का नाम क्या है याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार यही नजर आएगा, द थ्री मैन शो। नाजरीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, कभी किसी चीज़ की टेंशन, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम। वैसे उर्दू बोल के मैं अपना मुंह थका रहा, पंजाबी च तुहानू दसदा, तुहानू पता किनियां टेंशन ने साडे मुल्क च, कभी आटे की प्रॉब्लम तो कभी दाल की प्रॉब्लम, कभी आटा लैन जाओ तो ट्रकों तो आटा ना मिले इस गल की प्रॉब्लम, कभी बारिश पै गई है सड़कों पर पानी इस गल की प्रॉब्लम। इन्हां सारियां प्रॉब्लमों के विच तुहाडे वास्ते एक नवा शो लैके आ रहे हैं, जिदे च तुहाडे वास्ते जरूरी की होएगा, तुसीं सिर्फ हसोगे, तो इन्ना हसोगे रोटी खाना भुल जाओगे, कभी हसदे हसदे तुसीं डकार मारना भुल जाओगे, कभी कभी तो बाथरूम जाना भी भूल जाओगे। वो हसन की वजह की है, ये तीन इतने खूबसूरत मेरे होस्ट ने, इतने प्यारे लवली चेहरे है, तो यंग लड़के ने, लेकिन वो बावजूद उन्हों की वेट, उन्हों की आमद, उन्हों का स्टाइल इतना अच्छा कि इंशाल्लाह तो जरूर पसंद आएगा, तुम हसते हसते हर चीज़ भूल जाओगे। थ्री मैन शो। लेकिन यहाँ पर आपकी मुलाकात होगी मुख्तलिफ किरदारों से, जैसे कि पुत्र तुहानू तो पता ही है कि बंदा केड़ी केड़ी जिंदगी केड़े केड़े टाइम से गुजारदा है। ये तुम मेरे सज्जे खब्बे वेख रहे होवोगे कि तुहानू खाली खाली लग रहा है, ये मैं तुहाडे सामने हुणे ही भर सकना, लो फिर ए लो जी। एडी छेती तो कप्तान ने नौकरियां भी नहीं सी दित्तियां जिड्डी छेती मैं इत्थे समान मंगा लिया। मैनू लगता इत्थे कुछ आया है, या मेरा ख्याल है मेरे अलावा भी कोई आया है, तो जिहड़ा जिहड़ा आया तुहाडे नाल उहनां दा तारफ कराना वा, तो बुलावांगा मैं अपना एक एक स्टार ताकि तुहानू पता चल जाए कौन कौन है मेरे नाल। अच्छा, तो दोस्तों तुहाडे नाल मुलाकात का सिलसिला शुरू करवाने आ। सब तो पहले साढ़े नाल ने इस शो के प्रोड्यूसर प्लस कॉन्टेंट हैड, बहुत बड़ा नाँ है, तुसीं उहनां नूं देखदे हो, अगर तुसीं उहनां नूं पाकिस्तानी फिल्म च देखना चाहो तो नज़र आते हैं, इंडियन पंजाबी फिल्म च देखना चाहो तो नज़र आते हैं, थिएटर के सुपर स्टार ने। मैं ज़्यादा तुहाडा वक्त नहीं लाँगा, मैं चाहना फौरी मैं तुहानू विखा दें कि मेरे नाल कौन ने, ते तुहाडियां बहुत सारियां तालियां च साडे सुपर स्टार मिस्टर जफरी खान। हे वेलकम जी खान साहब। वेलकम जी। सब तो पहले वेलकम टू वेलकम टू भी मैं वेखी सी अच्छी सी। सब तो पहले तो तुहानू खुश आमदीद कहांगे इस सैट ते, ते इस सैट दे और इस यानी शो दे रिलेटेड ते तुहानू सवाल करांगे अगे जाके गल होएगी। पहले मैं पूछना चाहवांगा है जेड़ा हांडी विलॉग चल रहा है, ऐ की राज है? कोई भी अपना वाजे जी, कोई भी ऐसा राज नहीं है, बस इंसान दे ना कई दफा ऐसा होंदा है कि जो दे अंदर होवे ना उहदे फेस ते नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है, मैं अंदरों जो होगा ना मैं उ रहना वा, तो मैं अंदरों यही है कि भी हांडी बना रहा वा, मतलब धनिया छिल रहा, ये मतलब शौक है बस। एक नहीं, तुम यह गल ना करो कि अंदरों मैं जो है वा, अंदरों तुम एक हीरो आदमी हो, ऐ तो थिएटर से लोग तुहानू देखते हैं तो उन्होंने पता लगता है कि कॉमेडियन ने और चंगे भले सीरीयस बंदे नू गग 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 कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तुसी एक हीरो आदमी हो, तुहानू फिल्म च देख लवो। बिल्कुल सही, फिल्म च भी माशाला एक स्मार्ट, खूबसूरत, प्यारे, लेकिन इतने विलॉग च धोती पाई है, थले गुजरां वाली जुत्ती पाई है, प्याज कट्टे जा रहे हैं, यह कोई मतलब किसी ने टिप दी है वैसे खुल के दसो, या वाकई तुहाडा अंदर ऐसा है कि भी मैं खिदमत करा और लोगों नू खवावां पियावां? नहीं, टिप तो किसी ने नहीं दी, मैं क्योंकि बड़े अरसे तो ये खाने बना रहे हैं, ठीक है, जो तो अल्लाह पाक ने सानू है छोटा जहा एक घर दिता है, ठीक है जी, तो उदों तक कहे कि चलो वो खाना रोज़ बनाते, क्योंकि तीन चार लड़के काम करते, आप भी खाना होंदा सी, तो रोज़ बनता सी, बस एक दिन एवें ही असी वो व्लॉग बना लिया कि अज जफरी खान क्या कर रहा है, तो वो लोगों ने इन्ना प्यार, इन्नी इज्जत, बल्कि मैं हुण पिछे न्यूजीलैंड गया सी ते उत्थे मैनू कई फैमिलियां मिलियां जिन्होंने कहा कि असी जो तुसी एंड दे रोटी खा रहे होंदे ना असी उहनू वेख के ते फिर असी भी कहने कि लियाओ रोटी। वाह। मैं चाहना कि चलो किसी ना किसी बहाने किसी ना किसी तरीके ते तुसी अपने फैनज लिए कुछ कर रहे हो। माशाल्लाह, तुहाडा कॉमेडी शो है कि सीरियस शो है तुहाडा? नहीं, शो तो मेरा कॉमेडी है, लेकिन मैं चाहना जिहड़े लोग तुहानू कॉमेडी तो अलावा वेखना चाहते हैं कि बई इन्हां दे अंदर की है, वो मैनू हांडियां च वेख लिया उन्होंने। और वैसे तुहाडा गेटअप बड़ा प्यारा लग रहा है, ब्लैक पैंट कोट, मैं तुहानू एक ही गल कहना चाहवांगा, मैनू पक्का करा दे। ना को पक्का होना
मैं मिस्त्री बुला के चार दीवारी करा दिया। अच्छा तो दोस्तों तुहाडी मुलाकात करवाने अपने अगले गैसट के नाल साडे बहुत अच्छे इस शो के डायरैक्टर जिहड़े पूरे शो नूं हैंडल कर रहे ने, हर चीज़ वही चैक कर रहे ने, कैमरे तो लैके कॉन्टेंट तक स्क्रिप्ट तक, तो बहुत नाइस ने। एज हले छोटी जी है लेकिन मंजिला इंशाल्लाह ताला आसान ने, मेहनत करते रहेंगे तो बहुत अगे जाएंगे। तुहाडियां बहुत सारिया तालियां च सन ऑफ जफरी खान मिस्टर फरदीन जफर सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बेटा बताएं। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताएं या पापा, ये आप आपस में डिसाइड कर लीजिए, ये थ्री मैन शो का प्लान क्या है और क्यों आपके जहन में आया और ये क्या आइडिया है? पापा को हमेशा से अंदर से एक आग थी कि कुछ खुद करना है। वाह, हमेशा से कुछ था कि मैं नहीं समझ आता, किसी शो में गया वहाँ पर कोई बंदा कुछ करने को कह रहा है कोई कुछ, अब खुद क्या करना है, खुद की थॉट क्या है, खुद को लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये शो मेन उस चीज पे बेस है कि पापा और मैं क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। वाह, तो ये इसकी प्रिपरेशन हमने शुरू की थी 2-3 महीने पहले, तो फिर हमने वर्क करना शुरू किया 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 किया। ये जो लोगो आप देख रहे थे थ्री मैन शो का, तो नाम रखने पर हमें 2-3 हफ्ते लगे, नाम सोचने पर 2-3 हफ्ते लगे, क्योंकि एक अब ये आप सेट देखकर लाइटिंग देखकर बता सकते हैं कि मेन जो थीम शो का वो यही है कि इंग्लिश टच में पाकिस्तानी कॉमेडी। वाह बहुत अच्छे, यानी कि मतलब जिन्नी भी कॉमेडी हो रही है वो या चौंकां च चली गई है या रोड़ां ते चली गई है या बसां ते चली गई है, ठीक है। असी अपने ऑडियंस नूं अपने प्यार करने नूं मतलब ये अगर दसना चाहते कि जे तुसी साडे फैन हो या सानू देखना चाहते हो तो असी तुहाडे लिए भी कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं, अच्छा बनावांगे इंशाल्लाह। ये उहदी एक पहली कड़ी है ऐ शो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब बड़ा टैलेंटेड माशाल्लाह माशाल्लाह, इस करके चूंकि ये जो सारा कुछ है ना ये ही पढ़ रहे हैं। नहीं आज मैं जड़ा काम किया है या जिन्ना कुछ आज नाजरीन इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया मेरे नाल, मैनू आप बड़ा अच्छा लगा कि जिन्हों पंजाबी कहने साडे हत्थां दे बच्चे माशाल्लाह इन्ना सर्वाइव कर रहे हैं और इतना अच्छा उन्होंने ज़हन च आइडियाज़ आ रहे हैं। बहरहाल पाक परवरदिगार तुहानू इज्जत भी दवे रिज़्क भी दवे, बड़ी खुशी वाली गल है। अच्छा फरदीन तुहानू मैं दसदा जावा कि पहली गल तो तुसी बहुत छोटे हो, जाहिर है बच्चे हत्थां दे, जिस तरह मैं खान साहब तो छोटा, बल्कि मैं तो तुहाडे तो इन्ना छोटा जफरी भाई तो कि मैनू चुक के खड़ाया इन्होंने। हाँ जी, कभी मैं इनू चुक लैंदा सी, कभी ये मैनू चुक लैंदा सी। अच्छा चलो हासे हासे चाहे दसो, यह जिहड़ा थ्री मैन शो है यानी जिहड़े तीन तुसी लड़के इंट्रोड्यूस करा रहे हो, इन्हां ते की तुसी सोचिया कि बई इन्हां दी की थीम होएगी या की है कॉमेडी करनगे या किस तरह क्रिएट करनगे, की चीज़ां ने, कोई थोड़ा बहुत शेयर करो, लोग फिर वेखदे भी रहणगे। नहीं मैं थोड़ी जी एक गल क्लीयर करदा जावां कि ये जिस जनरेशन का शो बनाया ना, गुड ठीक है, ये शो इन्हां दी एज दे लोकां दा, बिल्कुल ऐसा वो अपने तरीके नाल बना रहे ने इहनूं, मतलब मैनू कोई चीज़ अगर रिक्वायर होवे ते मैं उहनूं कह दिंदा कि यार मैनू मैनूं इंजां नहीं लगदा। मैं इस सैट की लाइट तो मुतमइन नहीं सी हैगा कि बई सैट की लाइट मैनू नहीं सी, अज शाम तक मैनू नहीं सी बाहर है कि चूंकि एक कॉमेडी शो है, ठीक है, तो उहदे च एडी हार्ड जी लाइट, लेकिन जो अज मैं स्क्रीन पर आके देखिया तो मैं यानी कि दाद देंदा देंदा मैं घुट ली, मैं क्या हाली थोड़ा काम कर लें। अच्छी गल, तो वह मैनू लग रहा है कि मैं जो मेरे अंदर है ना वो मैनू नज़र आना शुरू हो गया। वेरी गुड, इंशाल्लाह मैं ये सारा कुछ इसलिए चाह रहा है कि जेडे साडे भैणा भरावां मतलब जेडे मतलब थिएटर च बहुत घट आते हैं या नहीं आ सकते, कोई बैरूने मुल्क जेडे थिएटर के कुछ इशूज भी ने ना थोड़ा फैमिली तो जरा हट गई है, तो मैं चाहना कि मैं इस इन्हों शोवों के जरिए अपनी वो जी इंटरटेनमेंट जो मैं कहना चाहना मैं अपने भैणा भरावों तक पहुँचा दें, सुना दें, दिखा दें उन्होंने। गुड, अच्छा फरदीन तुम मैनू दसो, माशाल्लाह तुसी अजकल दे बच्चे हो और अजकल दे बच्चों तो बड़ा शौक हुंदा है कि बाइक ते वन व्हीलिंग कर लईए या पापा दे पैसे रज रज के खा लईए या जिवें मैं एक जगह ते किते खलोता सी तो सड़क तो ना बड़ी तेज़ मोटरसाइकिल वाला लंघिया तो मैं उन्होंने रोक के कहा, मैं क्या ओए एडी तेज़ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो कहिंदा मैं ना 14 अगस्त बना रहे हैं। मैं क्या घर जाके अपने प्यो नू मना जी दी मोटरसाइकिल लैके आया। अच्छा फरदीन तुसी किस तरह सोचिया क्या एक शो होना चाहिए और लोगों नू इंटरटेन किया जाए और अजकल दे तुहाड़ी तरह दे यंग बच्चे हो? अच्छा मैं एक थोड़ी जी चूंकि इहदी गल क्लीयर करदा जावां, मैं जदों इह शो प्लैन किया सी या मैं जदों सोचिया सी उदों ऐ नहीं सीगा। वाह,
अच्छा जी जी, मतलब एक जस जिवें साडा थिएटर हुंदा है या जिवें असीं स्टेज ते काम कर रहे हैं, ये शो मैं वैसे प्लैन कीता सी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगो इनू मतलब एक ब्रांड टैप टच देन दा जिहड़ा सारा सिर है वह मतलब फरदीन दा है। वाह जी वाह। मैं इनू झटका दे रहा सी, ਉਹਨੇ ਟਾਈਆਂ ਟੁਈਆਂ ਕੋਟ ਪਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸ਼ੋ ਜੀ, ਐ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਫਰਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਪਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਜੋ ਥੋਟ ਆਇਆ ਵੋ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟਾਰਟ। ਗੁੱਡ। ਬਚਪਨ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਜੋ ਖਵਾਬ ਵੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਦੈਟ ਹੀ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ ਫਰੋਮ ਦ ਫਸਟ ਡੇ। ਜਬ ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਥਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਬਸ ਯਹੀ ਮੇਨ ਥੋਟ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਜਦ ਖਾਨ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਿਊਯੋਰਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਨਿਊਯੋਰਕ, ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਆ ਕਿ ਜੂੜ ਬੋ ਰਹੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਮੁੰਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਉਠੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਜ਼ੈਡ ਕੇ ਪੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਵੋ ਤੂਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਵਾਲਾ? ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਥੇ ਤਬ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ ਮੈਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲ ਕਰ, ਤੋ ਵੋ ਬਣਾ ਕਰ ਹਮਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀ ਥੀ। ਤੋ ਇਸਨੇ ਵੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਿਲਡ ਗਏ ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸਨੇ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਵੋ ਫੇਕਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਬ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਸਕੋ ਇਧਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਲੇਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ। ਤੋ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਜਦ ਖਾਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਕੋਈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਤੀਨ ਖਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਸਿਦ ਖਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਦਾਨਿਆਲ ਚੌਧਰੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੋ ਕੋ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਸਟ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਿਠਾਏਂਗੇ, ਅਭੀ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਤੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਯੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੜਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੋ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ
मतलब इनकी कोई वो होता है ना कि कोई चैनल्स है या कुछ कुछ भी नहीं, यानी सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इन सब चीज प्लेटफॉर्म पे कभी वो नजर नहीं, नहीं नजर आए, ये फर्स्ट टाइम नजर आएंगे। मुझे उनकी जो अपनी कोई फेसबुक आईडी है या उस पे उनकी तस्वीर है या कोई दोस्तों का ग्रुप है वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन कमर्शियली मतलब वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू काके ब्रांड न्यू हम एक आर्टिस्ट हैं जो इंशाल्लाह मार्केट में ला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा शो बनाएंगे इंशाल्लाह जी। हमारी दुआएं खान साहब आपके साथ हैं, पाक परवरदिगार। नहीं मैं अपनी भी मेडिकल स्टोर तो ले ली सब दर्द रहती गोडे च, मुझे लगता है आप उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो जरूर मिलना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं भी मिलूँ, हमारे लोग ऑडियंस भी मिले, उनको पता चले कि ये कौन है और क्या करेंगे। जी तो नाज़रीन तुसी देख रहे होगे कि ज़फ़री खान साहब मेरे कोल आके बैठ गए ने और मैं उन्होंने नाल बैठा वहाँ। ये असल च शो का सैगमेंट चेंज हो गया, मैं कुछ जेब कतरा नहीं अपने कोल बा लिया, कोई मेरी जेब ना कटी हो। अच्छा वैसे आपस की गल है, इत्थे ते मैं बैठा सां, तुसी किस तरह आए हो? इंज लो जी, इहनू कहिंदे ने एडिटर घर दा ना होवे। अच्छा जी ज़फ़री साहब मेरे नाल इस टाइम मेरे शो दे तीनों होस्ट मौजूद ने, मैं चाहना एक बार तुसी उन्हां दा तारफ करवा दिओ ताकि मैं उन्होंने विखावा कि असी की एक समझो नवी दुकान खोल रहे। हाँ जी ए जड़े सेंटर च बैठे ने जी ए मतीन जफर, अरे गुड, जफर खान माशाल्लाह, और नाल ओदे जड़े बैठे ने दानियाल चौधरी माशाल्लाह, ते नाल जड़े बैठे ने बासित खान। सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं मतीन, आप बताइए तबीयत से ठीक है? जी पहले मेरा कौन सा एक्सीडेंट हुआ? ए शो लॉन्च कर रहे हो कि चेजेबाजी? चेजेबाजी नहीं कर रहा, ए पता की ए इंग्लिश जे बच्चे ने ते बेचे ना दे ना पंजाबी बढ़िया है। बस मैं समझ गया। अच्छा जी बासत आप सुनाइए, आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी जी बिल्कुल फर्स्ट, इससे पहले कभी आपने कहीं भी शो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल। तो क्या कहते हैं इस शो में लोगों को, देखने वालों को क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी ड्रामा सब कुछ एक मतलब प्रॉपर पैकेज है, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहते हैं मदीन, आप माशाल्लाह देखने में बिल्कुल कॉमेडियन नहीं लगते, ना ही आप हंसाने वाले लगते हैं, आप सच में एक बहुत बड़े चैनल के होस्ट लग रहे हैं या एंकर पर्सन लग रहे हैं, लेकिन मुझे तवक्को है आपके चेहरे पे जो हल्की हल्की स्माइल है ना कि आप शरारत करोगे कोई ना कोई। आप ये बताइए कि आप इस शो में हंसाएंगे? नहीं। अच्छा बासत हंसाएंगे? जरा भी नहीं। और दानियाल हंसाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यार अगर तीनों नहीं हंसाएंगे तो शो आपका कॉमेडी है? जी। तो कॉमेडी शो है, आप नहीं हंसाएंगे तो देखने वाले चाहने वाले कैसे हंसेंगे? ये तो जो पिक्चर्स के करेक्टर्स आएंगे ना हमारे यहाँ पे गेस्ट बन के, अच्छा। हमें वो असल हंसाएंगे और ऑडियंस को भी वही हंसाएंगे, हम तो बस जी हाँ हूँ ही हाँ यस ओके। अच्छा मैं समझ गया, उसका काम होता है वो, कह रहा है वो हमारा वही ये नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके शो में जो किरदार आएंगे वो क्या किरदार होंगे? वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो सोशल भी हो सकते हैं, वो फिल्मी भी हो सकते हैं, और वो आप भी हो सकते हैं। मैं तो आज भी हूँ। आज तो आप फ्री हैं। अच्छा वैसे उन्होंने भी दस्ता है? नहीं मैं तो नहीं दसिया, तू मैं लगा तेरे अपने मुंह निकले। दानियाल जी सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इससे पहले कभी कॉमेडी की? नहीं। कॉमेडी का कोई एक्सपीरियंस है? देखा है मामू को, यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है? ये बिल्कुल पकड़ता, शुक्र है इसने गिरगिट नहीं कह दिया। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं भी ये शो का हिस्सा कि मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँ? मेरे यहाँ तुसी आ ही नहीं रहे। भाई मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। पता नहीं मैं तो घर पे नहीं था, आप किस टाइम आए? तू घर नहीं सा तो मैं सारी किनू फड़ा गया? मैं आप पूछना पैना और मैं पुकार उधर रखा गया। वो असल च मैं गली च गया ना, एक औरत सहरी पा के खलोती सी। अच्छा जी बासत आप ये बताएं कि आपका इस शो के साथ या इससे पहले कॉमेडी में क्या तजर्बा है, सीखने में या सुनने में? सर तजर्बा तो वैसे वैसे कोई ख़ास है नहीं, लेकिन ये सामने मेरे अंकल बैठे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। मतलब जो भी हम इस पे शो में हम दिखाएंगे, जो भी मतलब हम करेंगे कॉमेडी वगैरह, वो सब इनसे सीखा है, इनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, सब कुछ ये, मतलब यही है हमारे लिए फिलहाल। पता कि गल वाजिद खान जी, तो अल्लाह दे हुक्म ना जो साडे शो दा जिहड़ा कंटेंट है ना, ये मुंडे भरपूर वो खेलेंगे, असी हर चीज़ इन्हों ने इंज बना के देंगे। वेरी गुड। हर चीज़ बना के देंगे, जिहड़ी इन्हां दी ड्रैसिंग है ये भी एक मतलब डायरेक्टर ने एक सिलेक्ट की थी है,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਸ, ਉਹਦੀ ਟਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦਾਨਿਲ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਆਪ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਮੇਂ ਕਿਆ ਵਿਲਨ ਵੀ ਬਣੇਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਓ ਸ਼ੋਖਿਓ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਆਪਨੇ ਆਜ ਦੇਖਾ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਯੇ ਹਮ ਇੱਕ ਨਿਆ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਥਰੀ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ। ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਥਰੀ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ, ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮ ਆਪ ਕੀ ਉਮੀਦੋ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਤੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8:03 ਪੇ ਆਪ ਯੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇਂਗੇ। 3 ਮਿੰਟ ਪੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਦ ਥਰੀ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ 8:03 ਪੇ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ 8:03 ਪੇ ਹੀ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 8:03। जाते जाते हम मतीन से पूछेंगे। मतीन, आप ये बताइए कि ये शो करने के लिए आपकी तैयारी भरपूर है? हम देखें आपके सामने बिल्कुल तैयार है, साफ सुथरे कपड़े पहन के हम बिल्कुल रेडी हैं। असल तैयारी तो उसको करनी है जो हमारा गेस्ट है, जो हमारे सामने बैठेगा। असल तैयारी तो उसको करनी पड़ेगी हमारे लिए। लो जी दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपके साथ तब जब इनके पास गेस्ट होगा। तो हम जा रहे हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, एक आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद वाले दिन 8:03।